गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपने सिस्टम सॉल्यूशंस का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। अब इसमें आज हम देखेंगे कुछ ऐसे सॉल्यूशंस जो होमोजेनियस होंगे। होमोजेनियस सॉल्यूशंस के बारे में आज हमें पढ़ना है। इजी है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। होमोजेनियस सॉल्यूशन सुनिएगा। होमोजेनियस सॉल्यूशन में क्या होता है, डायरेक्टली हम इक्वेशन से ही देखेंगे। वो कहता है आपके पास इक्वेशंस दे रखी हैं 3x प्लस y माइनस 2z इज इक्वल्स टू 0, x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल्स टू 0। वो ये कहता है स्टूडेंट्स, अगर आपकी इक्वेशंस में सभी का इक्वल टू में जीरो है, यानी कि जो बी मैट्रिक्स थी वो जीरो है। अगर आप यहां से मैट्रिक्स बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको भी पता है कि ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या बनेगी, 3 1 1, ये 1 1 और ये माइनस का 2 माइनस 2 1 और 1 बनेगा। ऐसी अगर आप बी मैट्रिक्स बनाते हैं तो वो क्या आएगा, 0 0 0। अगर बी मैट्रिक्स कंप्लीट 0 आता है तो आपके पास वो क्या है, होमोजीनियस सॉल्यूशन। क्या है वो आपके पास, होमोजीनियस सॉल्यूशन। अगर बी मैट्रिक्स 0 है, इफ 0, जो कि है आपका फर्स्ट इस केस में, सारे के सारे वैल्यूज कर रहा हूं, एक वैल्यू की बात नहीं कर रहा। तो सबसे पहला काम क्या आता है, डिटर्मिनेंट चेक करो आप ए का। आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वो आपको हमेशा पता है कैसे करते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट रो यानी कि 3 को एक्सपेंड किया तो क्या होगा, 1 into 1 1, माइनस माइनस प्लस का 2, वहां पे 1 प्लस आपको पता है साइन नेगेटिव होता है, इस रो को और इसको ऐड करते हैं तो 1 into 1 1, माइनस में 1, माइनस का 2 ऐड कर दिया तो माइनस का 2 और ये माइनस का 1, समझे। 2 plus 3, 2 plus 1, 3, 3 3 9, ये तो 0 हो गया। माइनस का 3, ये क्या हो गया, माइनस का 3 और 2 6, यानी कि 15 आ गया। डिटर्मिनेंट आपके पास 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है यानी कि नॉन सिंगुलर है, तो हमें इस क्वेश्चन में आगे कुछ करने की नीड ही नहीं है। जो आपके पास x equals to y equals to z, तीनों की वैल्यू 0 हो जाएगी हमेशा, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन उसके लिए डिटर्मिनेंट आपके पास 0 होना जरूरी, नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो आपको कोई और केस करना होगा, वो मैं बताऊंगा। क्लियर हुआ? तो होमोजेनियस सॉल्यूशन तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन के ऊपर। जैसे कि इक्वेशंस का यूज नहीं, 3x प्लस में 2y प्लस में 7z इज इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 3y माइनस 2z इज इक्वल्स टू 0, 5x प्लस 9y प्लस 23z इज इक्वल्स टू 0। पहले वाला जो क्वेश्चन किया था स्टूडेंट्स, हम उसको ट्राइवल सॉल्यूशंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइवल सॉल्यूशंस। अगर डिटरमिनेंट मेरे पास 0 नहीं आता है तो यहां पे भी पता तो चल गया आपको कि बी मैट्रिक्स तो 0 है। अगर बी मैट्रिक्स आपके पास 0 है तो आपको पता काम नहीं बनने वाला, तो आपको ये पता चल गया। तो सिंपली आपको पहले क्या करना है, ए मैट्रिक्स बनाओ। ए मैट्रिक्स बनाओगे तो 3 4 और ये 5, 2 माइनस 3 और ये 9, ये क्या है 7 माइनस 2 और ये 23, यही आएगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, डिटरमिनेंट। मैंने फर्स्ट वाली रो को एक्सपेंड किया तो 3 आएगा,
हाइड करता हूँ। 23 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 69, ठीक है। फिर इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस में होता है तो प्लस 18, माइनस का 2 हाइड करा तो 23 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 92, ठीक है। और प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 5 2 10, यहाँ पे 7 है, इस रो कॉलम को हाइड को हाइड दिया, इस कॉलम और इस रो को हाइड करा, 9 4 36, माइनस माइनस प्लस और 5 3 15, क्लियर। डिटरमिनेंट तो सेम जैसे हम निकालते आए थे, 69 में से 18 को माइनस किया तो 51 बच गया, माइनस की 51 को 3 से किया तो माइनस का 153, 92 और 10 को प्लस किया तो 102, 102 को 2 से मिल गए तो 204 माइनस का, 36 प्लस 15 करेंगे तो कितना होगा 51 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा 7 और 7 का जो 35। अगर मैं अब इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये 7 ये 5 और ये 3 आएगा माइनस का, ये प्लस का 357, रिजल्ट क्या आया 0। देयरफॉर सिंगुलर मैट्रिक्स, तो जब ऐसा हो जाए तो इसको कहते हैं नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स इसको, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, क्लियर। अब नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन आ गया तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन में क्या करना होता है पहले तो आप वो देखेंगे। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के अंदर आपके पास एक फिनोमिना हम यूज करेंगे जो कि क्या है कि आप फर्स्ट इक्वेशन में से फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन x की वैल्यू को निकाल लें, 3x इज इक्वल टू माइनस 7z माइनस का 2y हो गया, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 7z माइनस का 2y बाय में 3, ये चीज क्लियर हो गई। अब इस x की वैल्यू को सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट कर दें, पुट दिस इंटू सेकेंड इक्वेशन, आप चाहो तो थर्ड में भी कर सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी एक में पुट कर सकते हो आप। 4 इंटू में x की वैल्यू माइनस का 7z माइनस का 2y बाय 3 माइनस का 3y माइनस का 2z इक्वल टू 0, आपको पता चल गया मुझे यहां पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 माइनस का 28z माइनस का 8y माइनस का 9y और माइनस का 6z इक्वल टू 0, पता है ये तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो खत्म हो गया। तो क्या रहेगा, माइनस 28z और माइनस का 6z माइनस का 34z आ गया, 9y और 8y माइनस का 17y आ गया इज इक्वल टू 0, इधर जाके प्लस, तो मुझे पता चला 17 इधर आके डिवाइड, यहां से y की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2z, यहां से y की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2z। अब आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, z को अपनी तरफ से कुछ भी लेट कर लो क्योंकि आपको पता एग्जैक्ट वैल्यूज तो बता नहीं सकते, z को k लेट किया देयरफॉर y क्या आ जाएगा माइनस का 2 इनटू में के, यहां से अब x निकालना है तो आपको वो यहां से निकालना पड़ेगा, तो देखो माइनस का 7z माइनस का 2y की जगह मैं माइनस का 2z लिख सकता हूं, माइनस 7z माइनस माइनस प्लस का 4z माइनस का 3z बच गया तो माइनस का 3k आ गया क्योंकि आपने क्या कहा था z तो k है। अब देखो यहां से आपने क्या करा, z को लेट किया था y आ गया आपके पास और यहां पर क्या आ गया x आ गया, इस तरह से मैंने क्या किया मेरी तीनों वैल्यूज को फाइंड आउट कर दिया इन टर्म्स ऑफ केस, इन टर्म्स ऑफ k इन नॉन ट्राइवल केस, यानी कि जब हमारे पास सारी के सारी होमोजीनियस वैल्यूज में 0 आता है और डिटरमिनेंट भी क्या होता है 0, क्लियर। चलिए ये था हमारे पास होमोजीनियस, अब आता है
कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको इक्वेशंस भी खुद बनानी है। जैसे अभी तक क्या होता था, इक्वेशंस को बनाकर देता था तो आपको सिंपली सॉल्व करना था। अब इक्वेशंस क्या करेंगे, हमें बनानी होगी, वो कुछ नहीं देगा इक्वेशंस बनाने के लिए, सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख देगा, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी अब आपके पास। वर्ड प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है वो यहाँ पे आपके पास। जैसे कि मैं बोलता हूँ क्वेश्चन को, उसको ध्यान से सुनिएगा। वो कहता है सम ऑफ थ्री नंबर्स इज एक्स, यानी कि तीन नंबर है। अब तीन नंबर है तो मैंने क्या माना, लेट एक्स वाई एंड जेड बी द थ्री नंबर्स, क्योंकि उसने मुझे क्या है, तीन नंबर्स है। तो उसने क्या कहा, सम ऑफ दीज थ्री नंबर्स इज सिक्स। तो एक इक्वेशन बन गई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सिक्स, ठीक है। नेक्स्ट से कहता है थर्ड नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय थ्री, थर्ड नंबर क्या आता है, जेड, मैं उसको थर्ड नंबर मान के चला हूं, उसको मैं थ्री से मल्टीप्लाई करता हूं एंड एड इट टू द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर में उसको एड करता हूं तो इट बिकम्स इलेवन। तो रिजल्ट क्या आएगा, इलेवन, सेकेंड इक्वेशन बन गई आपके पास। नेक्स्ट, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इट बिकम्स डबल ऑफ द सेकेंड नंबर, डबल ऑफ द सेकेंड नंबर। ये आपको गिवन दे रखा है, ठीक है, आपको इसे सॉल्व करना है। अभी देखो पहली बात तो, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो x ये y प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस में z और ये करेगा जीरो। मेरे पास तीन इक्वेशंस आ गई, तीन इक्वेशंस आ गई, तो मेरे पास पहला काम तो वही होएगा, एक तो मुझे a को फाइंड आउट करना है। a मैट्रिक्स क्या होएगी स्टूडेंट्स, 1 0 1 1 1 माइनस का 2, 1 3 और 1, बिल्कुल सेम काम है, बस इक्वेशंस नहीं बनानी थी, अदरवाइज तो आपके पास सारा वही काम था। b मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 6 11 और 0, और x मैट्रिक्स आपको पता है तीन वेरिएबल है तो x y और z होगा। काम तो वही करना है, सबसे पहला काम तो डिटरमिनेंट निकालोगे a का। तो मैंने क्या करा, फर्स्ट रो को एक्सपेंड किया तो 1 0.21 1 माइनस माइनस प्लस का 6 माइनस का 1, ये तो 0 हो गया और वो माइनस का 3 आ गया। अब प्लस का 1, ये 0 और ये 1 माइनस का, समझ गई बात। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 7 प्लस में 3 माइनस में 1, तो कितना रह गया, 9 आ गया, यहाँ की डिटरमिनेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको इनवर्स निकालना होता है, ठीक है। इनवर्स निकालने के लिए आप सबको पता है कि मुझे क्या निकालना पड़ता है, एडजॉइंट निकालना पड़ता है। तो देखिए, अगर मैं एडजॉइंट निकालता हूं तो क्या होगा, एडजॉइंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहां पर किया है तो 1 into 1 1 plus 6, तो कितना आ गया, 7, इसको ऐड किया तो 0 और वो माइनस का 3, साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस का 3, ऐड किया ये 0 और वो माइनस का 1, क्लियर स्टूडेंट्स। इन दोनों को ऐड किया तो 1 plus 2, तो 3 आएगा लेकिन साइन माइनस का, आपको पता है। इन दोनों को ऐड करा इसको और इसको तो 1 minus 1 0, इन दोनों को ऐड किया -2 -1 -3, बाद माइनस तो प्लस हो गया, इन दोनों को ऐड किया तो 3 -1 2, इन दोनों को ऐड किया तो 3 -0, लेकिन माइनस आता है बाहर, ऐड किया 1 -0 तो 1। अब ट्रांसपोज लोगे आप, ये सुनो, ट्रांसपोज लेंगे ना तो ट्रांसपोज में क्या आएगा, 7 3 -1 -3 0 and 3, 2 -3 and 1। आपको पता है ये इनवर्स निकाल रहा हो तो कैसे निकाल देते हो,
डिटरमिनेंट से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते थे, यानी कि जो आपके पास एडजॉइंट आया है फिर ये आ गया ए इनवर्स। आगे का स्टेप क्या होगा था स्टूडेंट्स, आगे का स्टेप आपके पास ये था, अगर आपके पास ए इनवर्स आ गया है ठीक है, तो आपको क्या करना होता था एक्स निकालने के लिए ए इनवर्स इंटू बी, यानी कि ए इनवर्स जो कि क्या है 7, 3, -1, -3, 0 and 3, 2, -3 और 1 उसका मल्टीप्लीकेशन करना है बी मैट्रिक्स के साथ, यानी कि 6, 11 और 0 के साथ। तो वो आपके पास यहां से एक्स वाई और जेड गिवन देंगे। ये आपको पता है रो चलती है, ये आपको कॉलम चलता है, पता है ना 7 × 6 = 42, -3 × 11 - 33 और वो 0। क्लियर ठीक है। अभी देखो 3 × 6 = 18, ये 0 और ये भी 0, -1 × 6 - 6 ये 33 और ये 0। 42 में से 33 चला गया तो 9 बच गया और 9 बार भी तो 1 आएगा, 18 बाय 9 करूंगा तो 2 आएगा, 33 में से 6 गया तो 27, 27 को 9 से डिवाइड किया तो 3। तो आपके पास x, y और z की वैल्यू आ गई इस तरह से स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ ये। तो हम इस तरह से अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।